मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस में टसल बनी हुई है, लेकिन जब तक दोनों दल के नेताओं के टिकट डिक्लेयर नहीं होते तब तक नेताओं में टिकट पाने की होड़ मची रहेगी। नेता अपना पूरा जोर टिकट झटकने में लगाए हुए हैं, भोपाल से लेकर दिल्ली तक के चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही तमाम सर्वे एजेंसी पार्टी के सर्वे और मीडिया के सर्वे में अपना नाम सबसे ऊपर लाने में जुटे हुए हैं। सागर टीवी न्यूज, एसटीवीएन इंडिया भी पूरी पारदर्शिता के साथ आप तक खबरें पहुंचाने में जुटा हुआ है। बुंदेलखंड की 26 सीटों के साथ साथ एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर दावेदारों की दावेदारी और सर्वे में नेताओं के अव्वल आने की मारामारी सब आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आज सागर टीवी न्यूज अपनी इस नई सीरीज की शुरुआत करता है, जिसमें सागर जिले की 8 विधानसभा के बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों की चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में बात करेंगे सागर जिले की सागर नगर विधानसभा की। सागर नगर विधानसभा में सबसे पहले बात बीजेपी के दावेदारों की। सागर विधानसभा सीट में बीजेपी में सबसे मजबूत दावेदार है वर्तमान में 3 बार से विधायक शैलेंद्र जैन। साल 2008 में बीजेपी जिला अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने पहली बार इन्हें मौका दिया। पहला मुकाबला कांग्रेस के प्रकाश जैन से हुआ, 20,851 वोट से वो चुनाव जीते। दूसरा मुकाबला कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी रहे डॉक्टर सुशील तिवारी से हुआ, ये चुनाव भी 8,223 मतों से जीते। इसके बाद तीसरा मुकाबला हुआ कांग्रेस के नेवी जैन से, ये चुनाव भी शैलेंद्र जैन 17,366 मतों से जीते। 2023 में भी विधायक शैलेंद्र जैन का टिकट एक तरह से तय माना जा रहा है। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली वजह है पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, जिसका जीता जागता उदाहरण साल 2022 में निकाय चुनाव के दौरान सभी ने देखा। कभी अपने प्रखर विरोधी रहे सुशील तिवारी की पत्नी संगीता तिवारी को जब बीजेपी ने महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया और सामने मुकाबला कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार रहे उनके छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी निधि जैन के बीच हुआ, तो इस मुकाबले में उन्होंने पार्टी को चुना, भाई और परिवार को नहीं। विधायक शैलेंद्र जैन ने जहां सबसे पहले अपने छोटे भाई सुनील जैन को ये कदम उठाने से रोका, वहीं जब उनके हाथ से बात निकल गई तो उन्होंने बीजेपी को अपनी मां बताते हुए अपनी पूरी ताकत डॉक्टर सुशील तिवारी की पत्नी संगीता तिवारी को जिताने में झोंक दी। जबकि जैन समाज का एक बड़ा तबका उनसे नाराज भी हुआ। वहीं दूसरी वजह है उनकी कार्यशैली, जिस कारण जनता के बीच इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका विरोध एक तरह से दिखाई ही नहीं दे रहा है। कोरोना काल में जनता के बीच पहुंचकर अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी मदद करना, उसका हर कोई गवाह है। जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहना और अपने चलायमान स्वभाव को बनाए रखना विधायक शैलेंद्र जैन की दावेदारी को प्रबल बनाता है। उनके अलावा एक और नाम चर्चाओं में है, वो नाम है डॉक्टर अनिल तिवारी का, जिनकी लोकप्रियता भी काफी है। बीजेपी में सागर और बंडा विधानसभा से टिकट के दावेदार थे, क्योंकि बंडा का टिकट पहले ही फाइनल हो गया है इसलिए अब सिर्फ सागर विधानसभा से दावेदार है। तीसरा नाम है मुकेश जैन ढाना का, जो चुनाव लड़ने बेहद उतावले हैं। चौथा नाम है डॉक्टर सुशील तिवारी का, जिनका नाम भी दावेदारों में चल रहा है। इसके अलावा राम अवतार पांडे, नेवी जैन, विनोद तिवारी, अनिल जैन नेंद्रा, सुखदेव मिश्रा, कपिल मलैया, नवीन भट्ट के नाम दावेदारों में है। बीजेपी के दावेदारों के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस के दावेदारों की। इसमें सबसे पहला नाम आता है पूर्व विधायक सुनील जैन का। इनके दो परिचय है। पहला परिचय है कि ये सागर नगर के विधायक शैलेंद्र जैन के छोटे भाई हैं, और दूसरा परिचय साल 1993 में कांग्रेस के टिकट पर देवरी विधानसभा से विधायक चुने गए। इसके बाद कांग्रेस में एक लंबा वक्त वनवास की तरह काटा। अगले चुनाव में कांग्रेस ने देवरी से मौका नहीं दिया, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और हार का सामना करना पड़ा, इसलिए बाद में कांग्रेस में चुनावी राजनीति में वापसी नहीं हो पाई, लगातार देवरी से दावेदारी करते रहे। इसी बीच बड़े भाई शैलेंद्र जैन का बीजेपी में कद बढ़ा, हैसियत बढ़ी और 2008 में सागर विधानसभा से टिकट भी मिला और वो चुनाव भी जीते। लेकिन यहां से सुनील जैन की चुनावी राजनीति में वापसी को एक तरह से ग्रहण लग गया। उन पर हमेशा ऐसे लांछन लगे कि वो चुनाव में अपने भाई की मदद करते हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी की।
इसके बाद से लगातार राजनीति में वो पिछड़ते चले गए। लेकिन साल 2020 में उन्हें कमलनाथ ने मौका दिया, कांग्रेस ने भरोसा जताया और उनकी पत्नी निधि जैन को सागर महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। उधर ऐसी भी खबरें रहीं कि साल 2018 में भी कांग्रेस ने उन्हें सागर विधानसभा से टिकट ऑफर किया था, लेकिन उनके भाई के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने से उस वक्त मना कर दिया था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा है। इस बार सागर विधानसभा से उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है, मतलब भाई भाई के बीच मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के दावेदारों में है मुकुल पुरोहित का नाम, सागर और सुर्खी विधानसभा से इनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। वहीं अमित राम जी दुबे भी दावेदारों में है। यहाँ एक और कांग्रेस के सीनियर नेता का नाम प्रबल दावेदारों में आ रहा है, जो नाम है पूर्व नगर निगम अध्यक्ष संतोष पांडे का। अगर किसी सीनियर नेता को मौका मिलता है तो वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनके साथ ही मुन्ना चौबे, रमाकांत यादव, राजकुमार पचौरी भी दावेदारों की रेस में है। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के दावेदारों ने भोपाल और दिल्ली की आवाजाही बढ़ा दी है। अपने अपने नेता और खेमे में हाजिरी दी जा रही है। चुनाव से पहले टिकट के लिए बिसात भी बिछाना शुरू कर दी है। इस बार सागर विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ये खबर आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज एसटीवीएन इंडिया पर। ये थे तमाम वो दावेदार जो सागर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नेता है जिसको चुनावी मैदान में कांग्रेस, बीजेपी या किसी अन्य दल को मौका देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।